नमस्कार दोस्तों, मैं शांभवी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने हरी भरी वाटिका में, अपने यूट्यूब चैनल हरी भरी वाटिका में। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी बागवानी के संग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताने के लिए आपको बनाई है वीडियो। ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है, बहुत ही उपयोगी है आपके पौधों के लिए। तो हम इसको सर्दियों में डालते हैं, इसका प्रयोग हम सर्दियों में ही करते हैं क्योंकि गर्मियों में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो इसका प्रयोग आप अक्टूबर मंथ से लेकर मार्च तक, मार्च महीने तक कर सकते हैं सर्दियों में। इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपका पौधा 10 इंच, 12 इंच, 18 इंच के गमले में लगा है तो एक ग्लास डालेंगे, और अगर 18 इंच के से ज़्यादा बड़े गमले में लगा है तो 1.5 ग्लास डालेंगे, और अगर आपका पौधा 10 इंच, 8 इंच, 5 इंच के गमले में है तो सिर्फ इतना डालेंगे इसको। और इसको डालने से फ़ायदे क्या होते हैं, ये क्यों उपयोगी है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो ये आपके पौधों में की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, पौधों में के पत्तों को बहुत हरा भरा रखता है, उसकी मतलब बढ़ोतरी, पौधों की बढ़ोतरी, ग्रोथ बढ़ाने में बहुत सहायक है ये। और दूसरा, पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ही हरे हरे अच्छे आते हैं, उनमें जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाता है, उनमें जो कीड़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और पौधों को जल्दी बढ़ने में बहुत सहायता करता है। आपकी जो सीडलिंग है उसको भी बढ़ने में बहुत फ़ायदा मतलब करेगा अगर आप उसको थोड़ा सा डालेंगे उसमें भी। और इसमें फूल बहुत आते हैं, फूल मतलब बड़ा साइज़ आएगा फूलों का, और फूल बहुत जल्दी आएंगे, और फूल बहुत सारे आएंगे आपके पौधों में। और सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी हो जाती हैं, उसके फूल भी नहीं गिरते। इससे बहुत से फ़ायदे हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और आप इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, मतलब जिस चीज़ से बनता है ये आप वीडियो में देखेंगे, उसको आप पीस कर अपनी मिट्टी में एक चम्मच पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर लिक्विड डालना है तो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। तो आप देखिएगा मैंने वीडियो में बताया है आप किस तरह से बनाएंगे और डालेंगे, तो ये आपके पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही फायदेमंद है। ये एक तरह की खाद ही है, समझ लो लिक्विड खाद है जो आपको पौधों में डालनी है, और हर 15 दिन में आप इसे डालेंगे यानी महीने में 2 बार। तो ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, मतलब ये वीडियो पूरी देखिएगा, और देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी इसका उपयोग कैसे करना है दोस्तों। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिए, और बेल आइकन यानी घंटे के निशान को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये पसंद आया, और बताइए कि आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स मुझसे और क्या जानना चाहते हैं गार्डनिंग को लेके, बागवानी को लेके, किन पौधों के बारे में आपको जानकारी चाहिए, किस तरह के फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाहते हैं, या पौधों में जो कीड़े लग जाते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। ओके, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो इस पर है, ये देखिए, ये सरसों की खली है, देखिए ये सरसों की खली है, और ये सरसों के तेल को जब हम निकाल लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ये बच जाता है जो उसका मतलब जो उसका वेस्ट बच जाता है उसको ये सुखा लेते हैं, जो भी बेकार बच जाता है उसका, उसको हम ये सुखा के, और ये मार्केट में मिल जाती है तो ये बच जाता है, मार्केट में मिलती है, जहाँ पर भी पशुओं को मतलब पशुओं के चारे में भी ये डाली जाती है। और ये मतलब ये आपको ये जो गेहूँ जहाँ वगैरह, पिस्ता चक्की वगैरह वहाँ पर भी ये लोग रखते हैं, मैं तो वहीं से लाती हूँ, जनरल स्टोर पर भी रखते हैं, इसे सरसों की खली आप बोलेंगे तो ये मिल जाएगी। और अगर गांव देहात में तो ये बहुत आराम से, आसानी से मिल जाती है क्योंकि वहाँ तो ये होती ही है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है सर्दियों में, समझ लीजिए। आपको अगर आपने इसका फर्टिलाइज़र डाला तो आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है पौधों के लिए, ये बहुत ही समझ लो पौधों के लिए एक तरह से विटामिन पौष्टिक आहार है। तो आप, मैं इसको आज बनाना बताऊँगी आपको, आप कैसे बनाना है। तो ये 50 ग्राम के करीब है मेरे पास, और ये देखिए मैंने ये 1 लीटर पानी लिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये 1 लीटर पानी लिया है मैंने,
तो दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। तो ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है, मैं इसे 1 लीटर पानी में इसको डाल दूंगी। देखिए तो ये आराम से आप इसको डालिए, ठीक है। डालने के बाद आप इसको 4-5 दिन के लिए ऐसे ही ढक कर रख देना। आपको किसी भी चीज़ से आप ढक सकते हैं, किसी भी प्लेट से, बर्तन, किसी से भी ढक कर 4-5 दिन तक रख देना है। और फिर इसको ना आप हिलाते रहिए। देखिए मैं अभी इसको ऐसे ऐसे आपको हिलाना है, इस तरह से अच्छे से। तो 4 मतलब 10 बार आपको इस तरह से हिलाना है, और फिर 10 बार आपको इस तरह से हिलाना है, मतलब उल्टा 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे। इस तरह से आपको डेली से हिलाना है, और 4 दिन बाद आप इसे 4 दिन बाद आप इसे यूज़ करेंगे। तो ये पानी है, और इसको आपको ऐसे चलाना है। देखिए मैंने आपको बताया ना, 10 टाइम्स ऐसे और 10 टाइम्स ऐसे, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जब ये मतलब गल जाती है तो इसके बाद ये ना इस पानी में पूरी अंदर बैठ जाती है। तो इसको चलाते रहना है, ठीक है। इसको हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए मैं बताती हूँ इसका यूज़ कैसे करना है आपको। ये देखिए हम चला लेंगे इसको, और चलाने के बाद मैं इसे इस बॉटल में भर दूंगी। ये देखिए बस इतना ही भरेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जितना ये पानी है, यानी 1 लीटर में अगर आपने इसको बनाया है, तो इसमें कम से कम, अगर ये 1 लीटर है तो कम से कम आप इसमें दुगना पानी डालेंगे, यानी दुगना तिगुना, यानी कि कम से कम इस 1 लीटर में आप कम से कम 2-3 लीटर पानी और मिक्स करेंगे, तब ये पौधों में स्प्रे करेंगे। आप स्प्रे भी कर सकते हैं और उनकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये मैंने इतना सा है, ये देखिए कितना थोड़ा है ना, देख रहे हैं ना आप, इतना थोड़ा है, और इसमें मैं और पानी डालूंगी। तो देखिए इसे मैं और पानी डालूंगी, इसको पूरा फिल कर दूंगी। और इसको अच्छे से चला दूंगी। देखिए इसको अच्छे से चला दूंगी ऐसे। अब इसको डायरेक्ट आप मिट्टी में डाल सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पेटूनिया के प्लांट्स हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें डाल सकते हैं, ये देखिए ये मेरे गेंदे का प्लांट है, इसमें भी डाल सकते हैं आप। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, थोड़ा ही थोड़ा डालना, ठीक है। और ये देखिए ये मेरे गुलाब का पौधा है, ये गुलाब का पौधा है, ये गुलाब है, ये देखिए गुलाब है, तो हम गुलाब में भी इसे डाल देंगे। ये देखिए तो ऐसे आप इसे मतलब डाल सकते हैं, अपने सभी पौधों में इसको डाल सकते हैं। अब इसको मैं और थोड़ा सा फिल कर दूंगी। अब इसे हम स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। ही देखिए देख रहे, इसको ऐसे चला के आप अपने पौधों में स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से ये सब स्प्रे हो जाता है अच्छे से, ठीक है। तो इससे आप पौधों में स्प्रे भी कर सकते हैं, और पौधे में जब भी आप स्प्रे करें तो शाम के टाइम पे करें। अभी तो दिन में है, तो मैंने आपको स्प्रे करके दिखा दिया। ये देखिए तो इस तरह से आप पौधों में स्प्रे कर सकते हैं अपने। ये देखिए अच्छे से स्प्रे हो जाता है पौधों में, सभी किसी भी पौधे में आप स्प्रे कर सकते हैं। ये हर एक पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल प्रयोग कीजिए, इसको बनाइए। ये नीम फली का है, ये देखिए ये इस तरह से पूरा बन जाता है,
सरसों खली का है ये, नीम खली का भी आप बना सकते हैं, नीम खली को भिगो के उसका भी बन जाता है, पर आप ये सरसों का खली सबसे फ़ायदेमंद है और आप डालिए। तो मैं दो ही सर्दियों में तीन फर्टिलाइज़र में डालती हूँ अपने पौधों में, एक बनाना पील, वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं, एक सरसों की खली का ये मस्टर्ड पील, और एक मैं डालती हूँ मस्टर्ड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, एक बनाना पील फर्टिलाइज़र डालती हूँ, और एक कंपोस्ट टी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से पूरा बन जाता है, आप अच्छे से देख सकते हैं इसे, तो मेरे को लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये इस तरह से खूब गाढ़ा बनता है, देखिए खूब गाढ़ा बन जाता है। और आप ये ध्यान रखिए कि एक लीटर में कम से कम 4 लीटर पानी मिला के, 1 लीटर में 4 लीटर या 5 लीटर पानी मिला लीजिए आप, और उसके बाद आप स्प्रे करिए सारे पौधों में, थोड़ा थोड़ा डाल लें, यानी कि अगर छोटा सा पौधा है तो आधा गिलास, और आपका बड़ा 10 इंच का है तो आधा गिलास, और ज़्यादा बड़ा है 12 इंच का है 14 इंच का है तो पूरा 1 गिलास आपको भर के डालना है अपने पौधों में। और इससे पौधों में, इसमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसके ये फ़ायदे होते हैं कि इसमें पौधों में कीड़े नहीं लगते, मिट्टी में कीड़े फंगस उन सबसे बचाता है, पत्तों को बहुत चमकदार बनाता है, और फूल उनकी, मतलब जो फूल निकलते हैं उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अच्छे अच्छे फल सब्जियां फूल आप इनका सब में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हर किसी में ये काम आता है, तो आप इसका सब चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मिर्च का पौधा है, इधर देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरे मिर्च का पौधा है, और देखिए मैं इसमें भी स्प्रे कर देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए इसमें स्प्रे कर दिया मैंने, और इसमें मैं डाल भी देती हूँ मिट्टी में, क्योंकि इसको ना आप बस मिक्स करके डालना, डायरेक्ट मत डाल देना, अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा नहीं मिलाया, जैसे मैंने बोला 1 लीटर में आप कम से कम 4-5 लीटर पानी मिलाइए, अगर आपने वो सीधा डाल दिया तो पौधे जल जाएंगे, पूरा ख़राब हो जाएगा पौधा। तो आप देख रहे हैं मिर्च के पौधे में भी मैंने इसे डाल दिया है, तो इस तरह से फ्रेंड आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, और ये बहुत ही पौधों के लिए उपयोगी है, और इसका प्रयोग आप सिर्फ सर्दियों में कर सकते हैं, भूल कर भी इसका प्रयोग गर्मियों में मत करिएगा, आप इसका मार्च तक प्रयोग कर सकते हैं, मार्च तक आप खूब डालिए अपने पौधों में, हर 15 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में भी एक बार डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 दिन में डालिए नहीं तो, और खूब भरपूर फूल आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर फूल आएंगे आपके, तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करिए। और गर्मियों में बिल्कुल मत करना, गर्मियों में ये जला देगा पौधों को, तो ये बहुत गर्म होता है, इसीलिए इसको 1 लीटर अगर बनाए तो कम से कम 5 लीटर इसमें पानी मिलाना ही मिलाना है, ठीक है, यानी 1 मग ये है तो इसमें 5 मग पानी और मिलाइए, फिर आप थोड़ा 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 सब में दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो, तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए, यानी घंटे के निशान को, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ बताइए कमेंट्स करके, अगर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।